भैया अब 2019 भी ख़त्म होने को आया है, तो ऐसे में जो फोर्ब्स है उसने भी अपनी लिस्ट सभी तैयार कर ली है, टॉप 100 वुमेन से लेकर टॉप 100 मैन तक, सबसे प्रभावशाली से लेकर सबसे ताकतवर तक, सबसे अमीर से लेकर सबसे प्रभाव रखने वाले शख्सियतों में। तो फोर्ब्स ने टॉप 100 में सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी कर दी और इसमें टॉप किया हर बार की तरह जर्मनी की चांसलर एंजेला मोर्केल ने। एंजेला मोर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर है और वो पिछले 4-5 सालों से फोर्ब्स की टॉप 100 लिस्ट में बनी हुई हैं और टॉप 5 में बनी हुई हैं। उनको टॉप 5 से कोई डिगा नहीं सका है। लेकिन इसमें भारत की भी 3 महिलाएं आई हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। भारत की इस वक्त की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी को फोर्ब्स वर्ल्ड ने 34वें स्थान पर रखा है। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 29वें स्थान पर रखा है। ताकतवर का मतलब है कि उनका अपने देश में इन्फ्लुएंस कितना है, उनका अपने फील्ड में इन्फ्लुएंस कितना है। दरअसल में निर्मला सीतारमन जी ने वित्त मंत्री बनके अपने आप को प्रभावशाली साबित किया और भारत के वित्त मंत्री ऐसा पुरुष ही होते हैं, महिला काफ़ी कम देखने को मिलती है। यही कारण है कि निर्मला सीतारमन जी को कहा रखा गया है इस सूची में कि वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में 34वें स्थान पर है। भारत की राजनीति जिसे पुरुष डोमिनेट करते हैं, पूरी तरह से पुरुष ही रहते हैं, वो आखिरी बार अगर किसी ने डोमिनेट की थी महिलाओं में, और आज तक भारत के पूरे इतिहास में एक ही बार किसी महिला ने डोमिनेट की है, वो रही हैं इंदिरा गांधी, जो सरकार के बाहर से नहीं रही, सरकार के अंदर रहकर उन्होंने, वो खुद प्रधानमंत्री भी थी, एक वक्त ऐसा था कि वो रक्षा मंत्री भी खुद बन गई थी, गृह मंत्री भी खुद थी और वित्त मंत्री भी खुद थी। तो इस वजह से इंदिरा गांधी से बड़ी तो खैर कोई महिला आएगी ही नहीं भारत की राजनीति में प्रभाव रखने वाली, आने वाले वक्त में भी कोई ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन आज के वक्त में अगर भारत की राजनीति में कोई सबसे प्रभावी महिला है, वो यकीनन निर्मला सीतारमन जी ही हैं। भारत जैसे बड़े देश का वित्त मंत्री होना आसान बात नहीं, पूरे देश की आलोचना सुननी पड़ती है वित्त मंत्री को, चाहे वित्त मंत्री कोई भी हो, भारत देश की आलोचना सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि भारत में जो सरकारों की पॉलिसी ही ऐसी रहती है कि सारा ठीकरा वित्त मंत्री के सर पर ही फूटता है। चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।